और चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बॉर्डर खाली करने की बात को टिकैत ने बताया है अफवाह। किसान कहीं नहीं जा रहे हैं, ये बात राकेश टिकैत ने कही है। सरकार उड़ा रही है अफवाह। तो देखिए टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं। जब तक मुकदमे वापस नहीं होते तब तक बॉर्डर खाली नहीं करेंगे। तो राकेश टिकैत ये बात साफ कर चुके हैं कि जब तक मुकदमे वापस नहीं होते हैं तब तक हम कहीं जाने वाले नहीं है, किसान कहीं जाने वाले नहीं है, बॉर्डर पर यूं ही किसान डटे रहेंगे। एमएसपी पे कमेटी बन जाए, कमेटी बात करती रहेगी सरकार से और वो उठ जाए। सरकार कह रही, किसान कोई नहीं कह रहा, किसान कोई नहीं कह रहा, सरकार कह रही, सरकार ये बात चला रही। किसान कोई नहीं जा रहा, ना कोई मोर्चा जा रहा, ना कोई मोर्चे खाली हो रहे। सरकार को जितने दिनों फोड़ा चला नहीं भाई, 5-7 दिन हो रहा फोड़ा चला ले, और 5-7 दिन बाद में फिर शुरू कर ले बातचीत। बगैर बातचीत के समाधान के किसान नहीं जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राकेश टिकैत की डिमांड लिस्ट में एक और शर्त जुड़ी है। किसानों के जब्त ट्रैक्टर के बदले नए ट्रैक्टर दे सरकार। किसानों के 150 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं, ट्रैक्टर कंपनियों से नए ट्रैक्टर दिलवाए पीएम मोदी। तो ये बात राकेश टिकैत ने कही। एक और डिमांड अब लिस्ट में जुड़ चुकी है। मुकदमे 50,000 मुकदमे है, हम तारीख भुगतने आवेंगे रोज की रोज। 50,000 आदमी यहाँ तारीख भुगतने आओगे तो इससे तो ठीक यही है। हरियाणा में 55,000 लोग पे मुकदमे, हरियाणा पे तो हरियाणा को छोड़कर चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है, 150 ट्रैक्टर बंद है। चलो ट्रैक्टर का तो यह है कि सरकार वो तो कंपनियों को कहेगी, जिस जिस कंपनी का ट्रैक्टर होगा वो कंपनी नए ट्रैक्टर दे देगी। प्रधानमंत्री के एक वो लगेगा सरकार के, वो तो आ जाएंगे, वो तो 2 दिन का मामला।